लोक नीति ने जो जारी किए उसमें बताया गया है कि एक बड़ी तादाद मीडिया के जो मालिकान हैं, ऑनर्स हैं 82%, वो एक तरह से हुकूमत और मौजूदा गवर्नमेंट के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, यानी बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने के वो हुकूमत के सपोर्ट में खड़े हैं। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट मौजूदा गवर्नमेंट से अलग राय रखते हैं या उनके खिलाफ पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, उनके हरेसमेंट और उनको सचाए जाने और उनके रोजगार और उनका एम्प्लॉयमेंट छिन जाने का खतरा भी लोगों ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है। हुकूमत के खिलाफ राय रखने वाले और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने ऑनलाइन हरेसमेंट और ट्रोलिंग की शिकायतें भी की हैं। बहुत से लोगों के जॉब्स छिन गए हैं। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि किस तरह मीडिया का, जो हमारे देश में जो लोकतंत्र का और डेमोक्रेसी का एक फोर्थ पिलर कहलाता है, उसकी पोजीशन आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो आज़ाद नहीं है, दबाव में है, डर में है, और जो कोई हुकूमत के खिलाफ लिखना या बोलता है उसे अपने खिलाफ कार्रवाई का पूरा डर लगा रहता है। पिछले दिनों मई में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिहाज से कंट्रीज को रैंक किया गया था और हमारे देश की रैंक उसमें 161वें नंबर पर थी। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हम प्रेस फ्रीडम के मामले में 161वें नंबर पर पहुंच गए हैं, और ये सूरत हाल हम सब के लिए बहुत ही चिंता की बात है। डेमोक्रेसी के मजबूत रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जर्नलिस्ट और हमारा मीडिया वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें डर और खौफ ना हो, उसके एम्प्लॉयमेंट के छिन जाने का खतरा उसको ना हो। ये सारी पोजीशंस आज हमारे सामने मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ मीडिया के जो साथी मौजूद हैं वो पूरे हिम्मत और हौसले और साहस के साथ और बगैर किसी चीज़ से डरे हुए हक बात और सही बात को लोगों के सामने लाने की अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। अब मैं अपने दूसरे साथियों को दावा देता हूं कि जो दूसरे हमारे मौजूदात हैं उन पर अपनी बात रखें। अगले जो पैनलिस्ट है आपके सामने, हरियाणा वायलेंस के जो प्रेस नोट हिस्सा आप देख रहे हैं उसको तफसील से आपके सामने बयान करेंगे। शफी मंदी साहब जमात इस्लामी के सेक्रेटरी है और आप और एक पैनल जो है वहाँ गए थे जो है ज़मीन में, वहाँ जो स्पॉट पे, और जाके तफसील से उसका जायज़ा लिया और उसका जो है तफसीलात आपके सामने बयान करेंगे। हम सब जानते हैं कभी पिछले दिनों हरियाणा में वायलेंस हिंसा के बहुत बनाव हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है, और जिस तरह से ये जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया मेवात के इलाके में और वहां जिस तरह की हिंसा हुई, ये जो जुलूस है वो वैसे तो पिछले कुछ सालों से निकल रहा है, लेकिन इस बार इस जुलूस के निकलने के पहले बहुत सारी तैयारियां हुई। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए, बहुत सारी ऐसी स्पीचेस प्रोवोकेटिव हमारे सामने आई और ऐसा लगता था कि इस बार कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन इस जुलूस को न तो रोकने की कोशिश हुई,
ना तो इस जुलूस में अगर कुछ हालात खराब होते हैं तो इसको कंट्रोल करने के सिलसिले में प्रशासन को जो करना चाहिए हमने देखा कि वो कुछ दिखा नहीं। और इसके बाद उस जुलूस में गड़बड़ी हुई, वहां पर खुलेआम जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया लेकिन हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, वेपन्स के साथ और नारेबाजी के साथ जिस तरह का एक वातावरण वहां पर खड़ा किया गया, तो इसके बाद जो कुछ वहां हुआ वो होना ही था। और इसकी वजह से वहां हालात खराब हुए, वहां जो कुछ भी ये सांप्रदायिक हिंसा हुई, इसमें 2 होमगार्ड मारे गए और दूसरे लोग भी इसमें मारे गए। और ये जो कुछ सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसकी तैयारियां पहले से की गई थी, जबकि मेवात में एक लंबे वक्त से बहुत अच्छा माहौल था, बड़ी तादाद में वहां मुसलमान जब रहते हैं तो उनके साथ जो 20-25% हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनके बीच में कभी कोई क्लेश नहीं रहा। लेकिन अब एक पूरे प्लानिंग के साथ वहां पर यह हालात को बिगाड़े गए और इसी का असर इसके मेवात के सराउंडिंग के एरियाज में भी हुआ। उसी दिन गुड़गांव में रात को एक मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद के इमाम को शहीद किया गया, इसके साथ एक और शख्स को जख्मी किया और 3 लोग थे जो वहां से हटा दिए गए, गुम कर दिए गए। और इसके अलावा पूरे गुड़गांव में, पलवल में और सोहना, बादशाहपुर और दूसरे मुकामात पर हालात को खराब किया गया। एक सवाल ये पैदा होता है कि गुड़गांव जैसी सिटी है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा शहर, डेवलप शहर है, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज वहां पर है और इसके बावजूद इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी नाकामी है कि ये हमले के बारे में उनको खबर ही नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट या तो इन्होंने हालात आने वाले थे इसको नजरअंदाज किया या फिर वो बिल्कुल इससे वाकिफ ही नहीं थे। ये दोनों चीजें जो हैं वो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात है। हम लोगों ने वहां पर एक वफद के साथ दौरा किया, वहां के पुलिस कमिश्नर एसएस कला रामचंद्रन से हमारी मुलाकात भी हुई, इनसे भी हमने कुछ बातचीत की। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बाकी रखने के लिए पूरी कोशिशें की, लेकिन उनका कहना यह था कि उनके पास जो फोर्स थी इसका एक बड़ा हिस्सा उनको मेवात में भेजना पड़ा था और इसकी वजह से भी कंट्रोल करने में कुछ वक्त लगा। और वहां पर सबसे बड़ा मसला जो पैदा हुआ वो डर और खौफ का पैदा हुआ। वहां से लोग नकले मकानी अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए और वहां दुकानें भी जलाई गई और जिस तरह का एक डर और खौफ का जो माहौल पैदा किया गया वो बहुत ज्यादा, यानी तश्वीशनाक है। वो गवर्नमेंट का फेलोर हमारे सामने आता है। फिर एक बात ये भी वहां मुलाकातों के जरिए हमारे सामने आई कि पुलिस की जो, यानी ऊपर वाले जो पुलिस के डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का जो नीचे का
अमला है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन भी बहुत ठीक नहीं हुआ, ये भी हमारे सामने आया है। वैसे वहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी सामने आई हैं। हमने मस्जिद का भी वहां, जिस मस्जिद पर यह हमला हुआ था वहां मस्जिद पर भी गए, वैसे इसको कॉर्डन कर दिया गया था, मस्जिद में अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये मस्जिद पर जो हमला है वो फकत मेवात की हिंसा के पेश नजर नहीं है, ये मस्जिद का मसला पहले से चला रहा था, इसकी केसेस हुए थे, आखिर में सुप्रीम कोर्ट से भी उनको मस्जिद को और बड़ी बनाने का की इजाजत हासिल हो गई थी। लेकिन शायद ये ऐसी प्राइम जगह है कि इसके आगे पीछे जो लोग हैं, जिस तरह के वहां मॉल्स बने हुए हैं, एमएनसीज हैं, जिस तरह की यानी वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो शायद ये मस्जिद का वहां होना वो पसंदीदा नहीं था। तो एक वजह ये भी हमारे सामने आ रही है कि ये मस्जिद पर हमला जो है वो फकत यानी इस, लेकिन ये जो कुछ भी मेवात में हुआ वो इसको इसका फायदा उठाते हुए यहां भी इस तरह की चीजें हुई हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं इससे जमात इस्लामी हिंद बहुत चिंतित है, वो इस सिलसिले में कोशिशें कर रही है। आमतौर पर ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं जमात कोशिश करती है कि शांति कायम हो, एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा हो, और इस तरह प्रशासन पर भी हम यानी जोर देते हैं कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि हालात को साजगार किया जाए। जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है, जो लोग इन कामों में मुलविस हैं, और बहुत यानी ऐसे नाम जो सामने आ रहे हैं कि इन लोगों को अब तक उनको उनकी उनकी यानी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको जब छोड़ दिया गया है, तो ये सारे वाक्यात जब सामने आते हैं तो इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से इस तरह के वाक्यात जो होते हैं उस तरह के वाक्यात को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत प्लानिंग के साथ इसको किया जा रहा है, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी ये हो रहा है, और अब हरियाणा को भी टारगेट बनाया गया है। हम जमात इस्लामी हिंद ने प्रशासन से सरकार से ये भी डिमांड की है कि इसमें जो लोग मारे गए हैं उनको कंपेंसेट किया जाए, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई भी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और ये शांति की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो और हालात साजगार हो जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। अगला मैं चाहूंगा मलिक मुतसिम खान साहब, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी हिंद के, वो पिछले 31 जुलाई में जो इंसिडेंट हुआ है जयपुर मुंबई जो है ट्रेन के अंदर, उसके ऊपर जो हमारे प्रेस स्टेटमेंट है वो आपके सामने पेश करेंगे। वेलकम टू ऑल मीडिया पर्संस। कुछ दिनों पहले मुंबई जयपुर ट्रेन में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और जिसमें 4 लोग फायरिंग से हलाक हो गए हैं, हमको इस मौके पर कम से कम जो काम करना है वो हम उसकी मदद शदीद मजम्मत करते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कोई पहला वाकया नहीं है। मुल्क में जो माहौल बना हुआ है जिसका जिक्र यहां हुआ, चाहे वो हरियाणा के बारे में हो या मणिपुर के बारे में हो, ये जो पोलराइजेशन का, रेडिकलाइजेशन का, हेट का, हेट क्राइम्स का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल ही का एक हिस्सा वो ट्रेन में होने वाली फायरिंग का वाकया है।
इसलिए हम इस वाक्य की शदीद मजम्मत करते हैं। मालूम यह हुआ है कि उन मरने वालों में तीन अफराद का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से और एक फर्द का ताल्लुक राजस्थान में मौजूद मीना कम्युनिटी से है। खैर, किसका किस कम्युनिटी का ताल्लुक है ये अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी वाकया हुआ है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन हमको यह सोचना है कि ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं। ये वाकयात इसलिए हो रहे हैं जो हमारे मुल्क में इन दिनों पावर सर्कल्स हैं जिनके हाथ में स्टेट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर है वो ऐसे लोगों को सजा नहीं दे रहा है। वो समझ रहे हैं कि हमको अब कोई सजा नहीं दे सकता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाई दोज हु आर इन पावर। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए जहां पुलिस अहलकारों की तरबियत की जरूरत है, वहीं गवर्नमेंट को भी अपने रवैये को बेहतर बनाना होगा। उसके अलावा जो लिटरेचर है, जो मैगजीन्स हैं, जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो बुक्स हैं, उन सब में एक ऐसा मवाद दिया जा रहा है जिससे पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन, एक एंटी मुस्लिम, एंटी यहाँ के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन सबको परवान चढ़ा रहा है। तो इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है, सोशल मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। इस सब पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि मुल्क में आइंदा ऐसे वाकयात को रोका जा सके। अभी हम देखते हैं कि थोड़े दिनों पहले यही पावर सर्कल में बरेली में वहां के एक अच्छे ऑफिसर ने कानून पर अमल करने की कोशिश की, अमन बनाने की कोशिश की, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इससे यह बात साबित होती है कि जो पावर में जो लोग हैं उनको अमन बनाए रखने से दिलचस्पी नहीं है। इस मौके पर मैं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से इस बात को दोहराऊंगा कि ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। कहा गया कि वो मेंटली इल था, बाद में उस बयान को वापस भी लिया गया और वो जो आदमी था, जो ऑफिसर था जिसने गोली चलाई, वो उस बॉडी के पास, डेड बॉडी के पास खड़े होकर वो ये कह रहा था कि मुल्क में सिर्फ मोदी और योगी दोनों ही हैं और इन्हीं को वोट देना है। और लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली इल है। हमारे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि क्या मुल्क में जो भी अब लोग मोदी और योगी कह रहे हैं उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ये सब सोचने की बातें हैं कि हमारे मुल्क में जो लोग दिमागी संतुलन खराब करते हैं उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो लोग गलती की हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए। साथ ही जो लोग मर चुके हैं ट्रेन इंसिडेंट में उन सब को, उनके फैमिली मेंबर्स को रेलवे में या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में उनको सर्विसेज दी जाए, उनको अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाए ताकि उनकी जो फैमिलीज अब नुकसान में, घाटे में हैं, उनको राहत मिल सके। लेकिन मुल्क में सबसे बड़ी राहत यह होगी कि मुल्क में अमन का और लॉ और जस्टिस का माहौल कायम रहे। इसमें हुकूमत को, मीडिया को अपनी रोल प्ले करना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद मुल्क में अमन के लिए और जस्टिस के लिए हुकूमत के तमाम इकदाम में ताउन करेगी और मतालबा करती है कि वो
मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को, जस्टिस को बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। शुक्रिया। यूनियन होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एक बहुत ही शॉकिंग एक डाटा पिछले जो है 3 साल के डाटा आपके सामने ले आए, जो विमेन मिसिंग इन इंडिया, जो बहुत ही जो है शॉकिंग और ट्रॉमेटिक है। और इसको लेके जो जमात इस्लामी हिंद के मौकफ आपके सामने पेश करेंगे जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी रहमतुन्निसा साहिबा। Once again, I welcome all of you and thank you so much for being with us today. The scale of any civilized society and a progressive society is its approach towards its women, and the dignity and honor and protection and safety that it ensures for its women. But it's a matter of grave concern, the recent report compiled by the National Crimes Records Bureau with from 2019 to 2021 data hai. So it says that a staggering number of girls and women exceeding it's as huge as 13.13 lakhs they were missing across the country, and according to the Union Home Ministry, 10,61,648 women over 18 years, above 18 years, and 2,51,430 girls below the age of 18 were reported missing during this period. We need to note that it is reported missing, so those that are not reported also are to be counted and kept in mind here. And in this, Madhya Pradesh accounted for the highest number of missing females with nearly 2 lakhs reported missing, and closely followed by West Bengal. The report highlights that in Madhya Pradesh alone 1,60,180 women and 38,234 girls were missing, and in West Bengal 1,56,905 women and 36,606 girls were reported missing during this period. And other states also recorded alarming numbers, and especially we need to note that among the union territories, Delhi had the highest number of missing girls and women. The national capital report says that in the national capital missing women are 61,054 and missing girls are 22,919 between 2019 and 21. And in Jammu and Kashmir also, there is a considerable number of women missing, that is 8,617 and 1,148 girls missing. So all those slogans and calls for Beti Bachao, they seem to be mere election slogans. And the various initiatives by the government, like the Criminal Law Amendment Act 2018, and that imposes more stringent penalties, including death penalty for the rape of girls under the age of 12, they are not bringing desired effect. That's what it shows. Similarly, we have initiatives like the Emergency Response Support System, with a single number, that is 112, for all emergencies. But even that seemed to be not working well in our country.
So what we feel is, Jamaat-e-Islami strongly believes that the best way to prevent these type of crimes with the support of law should be there, but at the same time, we need to work for developing a society which is based on morality and ethics. Even in Manipur, the women who were paraded naked points a finger towards this only, that if you have enmity towards any society, any community, the easy target, you can attack their women. And so such, you know, low level, even, you know, we can't say that it is equal to animals, even lower than that. No one can go, fall lower than this level. This kind of atrocities are going on across the country because of this lack of moral and ethical values. So we need to give focus on this, and only a society that respects the dignity of women, promotes modesty and decency, and discourages vulgarity and licentious can prevent women from being exploited and becoming a tool for the market forces to earn profits. So Jamaat-e-Islami Hind calls upon the people of India to avoid treading the path of the Western culture, which deprived women of their true dignity in the name of freedom and liberty. Women must get their due rights and be empowered, but not at the cost of their modesty and distinctive roles in the family. And we all need to work together for enabling and making the public spaces safe and secure, so that even the women and girls can become contributing members of our society. Thank you so much. अगले बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो आपके सिलसिले में है, मीडिया के सिलसिले में. बेटी बचाओ के बारे में बताएं. अगला टॉपिक है मीडिया बचाओ, और CSTS का एक रिपोर्ट है जो रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें बताया गया कि मीडिया जो है ट्रमेंडस प्रेशर में है, और वो क्या प्रेशर है और उसके जो है जमात इस्लामी हिंद का रिस्पॉन्स क्या है, उसके बारे में आपके आपके सामने पेश करेंगे इंजीनियर सलीम साहब. ठीक, ऑलरेडी बता चुके हैं. तो अगले जो कार्यक्रम है वो ओपन है, ओपन टू दी जो है ऑडियंस है. आप जो भी सवाल पूछना चाहेंगे, बहुत ही कम जो है टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करना है, तो बहुत ही तेजी से आप सवाल पूछे. इंजीनियर सलीम साहब से मेरा सवाल है कि इन्होंने CSDS और लोक नीति के हवाले से जो बातें कही हैं वो ठीक है और उस तशवीश का इजहार किया है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे जब ऑर्गेनाइज़र अपने अदारे में गवर्नमेंट को ये कहता है कि अब आपको मोदी मंत्र से और ये हिंदुत्व के नारे से सिर्फ आप इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, कर्नाटक की बात करता है, तो ये वो भी तो एक मीडिया हाउस है. दूसरी तरफ आपको आज तक वाले को जिस तरह रोक दिया गया, उसने जिस जो मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि बेस्ट रिपोर्टिंग है आपको यहाँ हरियाणा के ताल्लुक से, वो आपको बहुत, और यही हाल मणिपुर में भी है, तो वो भी तो एक बड़ा मीडिया हाउस है. इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रिपोर्ट जो मीडिया और मीडिया पर्सन्स की का जो सर्वे हुआ है उस पर एक रिपोर्ट है, और ये ज़मीनी हकीकत को हमारे सामने पेश करती है. लेकिन आपने जो सवाल किया है उससे ये बात भी निकल कर आ रही है, और हम महसूस भी कर रहे हैं कि अब बेचैनी बढ़ती जा रही है मौजूदा हुकूमत के रवैये के खिलाफ, और ख़ुद उनके कैंप में भी बेचैनियाँ बढ़ रही है ऐसा लगता है, और अब लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, अब लोग हुकूमत से सवाल करने की शुरुआत कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अभी भी ये बहुत दबी हुई आवाज़ है, अभी भी बहुत डर लोगों में पाया जाता है. तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक सिल्वर लाइनिंग है जिसको हम महसूस कर रहे हैं कि हालात अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और लोगों को हिम्मत जुटानी होगी, ख़ासतौर से आप जैसे हिम्मत वाले मीडिया के लोगों को, कि वो बग़ैर किसी डर के अपनी बात
चाहे वो हुकूमत के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो ज़रूर कहनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जिसको आपने भी महसूस किया है और हम समझते हैं कि इसको और तेज़ी से बढ़ना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो बहुत तश्वीशनाक है और वो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको बताती है कि क्या महसूस कर रहा है हमारा मीडिया, मीडिया के लोग कितने दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी आज़ादी कितनी लिमिटेड हो गई है। तो ये आप सब भी हमसे अच्छी तरह ज़्यादा जानते हैं। सर, आपने अपनी बातें सभी मुद्दों पे रखी। एक मुद्दा है सर्वे जो हो रहा है ज्ञान व्यापी में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? पहले उसको लेकर काफी खिलाफत भी हुई, लेकिन आप कोर्ट ने अलाउ कर दिया सर्वे होने के लिए, सर्वे चल रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? यूपी में जो जिले का कोर्ट था, बाद में हाई कोर्ट ने वहां सर्वे करने की बात की थी, ये बिल्कुल जो हमने कानून बनाया था पार्लियामेंट में, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, इसमें ये बात है कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस है वो स्टेटस बाकी रहेगा, ये बात तय हो गई है। तो इसका पालन करना, वो लोकल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आज हम अखबार पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मस्जिद की तरफ से एक पिटीशन दाखिल किया गया था कि ये सर्वे को रोका जाए, सर्वे को नहीं रोका है। तो ये जो लीगल जो प्रोसेस है इसका अब्यूज है और ये माहौल को खराब करने वाला है, इससे बहुत नुकसान होगा पूरे समाज का। जो इशू बाबरी मस्जिद का था, एक बार फिर उसी लाइन पर ये ज्ञान वापी मस्जिद के इशू को ले जाया जा रहा है, इसलिए हम इसको सही नहीं समझते। और जो कुछ सर्वे हो रहा है इसको अगर लागू किया जाएगा, इस किस्म की बातें होंगी, तो अभी हम देख रहे हैं कि बुद्ध मजहब के मानने वाले लोगों ने भी अपील की, उन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल किया कि वो जो कुछ ज्ञानवापी की मस्जिद का है वो हमारा है। तो इस देश में कोई मस्जिद, कोई मंदिर या कोई और इबादत का, उन सब पर मुकदमे होंगे। तो ये बहुत अच्छा किया था हमारे देश में कि हमने ये तय कर लिया था कि हम 1947 15 अगस्त को जिस मस्जिद का या मंदिर का, चर्च का जो स्टेटस है उसको तस्लीम करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी और कोर्ट को भी उसी डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। जो कुछ हुआ है उसको हम बहुत नुकसानदा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है कि मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कि वो पुरानी गलतियों को पुनरावृत्त ना होने दे, वो साक्ष्य है, भौतिक साक्ष्य है, शास्त्रीय प्रमाण है, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी है, स्वाभाविक रूप से इस पर वो सोच समझ के फैसला करें। जी जी, आपकी बातें हमारे सामने हैं। देखिए, जब बाबरी मस्जिद का भी डिसीशन आया तो जब डिसीशन को जजेस पढ़कर सुना रहे थे तो वो सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि ये जो डिसीशन है वो बाबरी मस्जिद के हक में आएगा, क्योंकि कोई दलील, कोई लॉजिक, कोई एविडेंस ऐसा नहीं था जिससे यह साबित किया गया कि बाबरी मस्जिद की जगह कोई मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। कोर्ट ने तस्लीम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा के बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाकर, मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने की कोई बात मौजूद नहीं है, लेकिन फैसला जो आया वो मस्जिद के हक में नहीं था। ये रिकॉर्ड हमारे सामने है। ज्ञानवापी के बारे में भी हमारा ये समझना है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, उन सब के हिसाब से तकरीबन 600 साल से लोग बता रहे हैं कि वहां इबादत हो रही है। तो जो कुछ देश में पहले हुआ, अगर उस तारीख के इसमें जाएंगे तो हम मुस्तकबिल नहीं बना सकते। इसलिए सबके लिए अच्छा ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
स्पेशल प्रोविजन 1991 पास कर दिया गया है, सबको उसका पालन करना चाहिए। अगर इसमें हम अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो इससे देश का भला नहीं होगा। तो हम फिर एक बार हम आपके अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी कहें, ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, सिर्फ असर्टेन करने के लिए, मालूम करने के लिए, हम कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन सही नहीं है। मद्दी साहब, अभी आपने नू की बात, इसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। जब 1991 का ये कानून मौजूद है कि अब किसी इबादत गाह की शक्ल को नहीं बदला जाएगा जो शक्ल 15 अगस्त 1947 तक थी, तो आखिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है और सर्वे के नतीजे के बाद क्या किया जाएगा? क्या ये अदालत का और मुल्क का वक्त जाया किया जा रहा है? जब आप उस पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं कानून के मुताबिक, तो सर्वे कराने के मतलब ही ये है कि आप एक बहस छेड़ना चाहते हैं मुल्क और एक पूरे मुल्क को एक चार्ज करना चाहते हैं, तो इसका बड़ा नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जब मालूम है कि इसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता तो सर्वे कराने का जो प्रोसेस है वो बेमानी है, पूरे मुल्क का नुकसान है और समाज को एक तरह से गलत रुख पर ले जाने की कोशिश हो रही। लेकिन कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको अबॉलिश किया जाए। मनोज के बारे जो बीजेपी कहती है, कुछ लोग तो इस देश को कुछ और बनाने की मांग भी कर रहे हैं, तो मांगे तो होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मुल्क उस कानून से चलेगा जो कानून इस वक्त मौजूद है, जो कानून इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। और हमारी अदालतों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो कानून बने हुए हैं उनके मुताबिक ही ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे उन कानून की खिलाफ वर्जी होती हुई नजर ना आती हो। इंजीनियर साहब, सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि वो जगह क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये पता लगाने के लिए सर्वे होता है, ये नई किस्म की ये दलील अब आजकल आती है। क्यों पता लगाना चाहते हैं अब पता अगर आप लगा लेंगे तो क्या करेंगे? क्या उस जगह का की शक्ल को बदला जा सकता है? तो जब बदला नहीं जा सकता और ये बहुत सोच समझ के कानून बनाया गया है कि अगर इस तरह की चीजें होती गई और हर इबादतगाह के हिस्ट्री और उसके नीचे क्या था वो खोद कर देखने की कोशिश की गई, तो कितने जगहों पर बुद्ध मजहब के मंदिर निकलेंगे, कहीं जैन मंदिरों को तोड़ा गया है वो निकलेंगे, तो कैसे आखिर सिलसिला कब खत्म होगा? इसलिए उस कानून के मुताबिक अदालतों को भी उसका ख्याल रखने की जरूरत है। एक याचिका है, बहुत बहुत मत नू की आपने बात की, नू में नू के बारे में बताएं। सर आपने नू की बात की, पिछले अब एक्शन वहां पे हरियाणा सरकार कह रही है कि एक्शन लेंगे, दो दिन से सर बुलडोजर एक्शन वहां पे चालू है, आज फिर बुलडोजर से कहीं परमानेंट और कहीं टेम्पररी स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, एडमिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बट कुछ अफसर ये भी कह रहे हैं कि जो लोग राइटिंग में उस समय शामिल थे, पत्थरबाजी में शामिल थे, उनके भी ये घर हैं। तो कैसे देखते हैं इसको आप, कैसे देखते हैं जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है सर, और काफी 50 के करीब आज भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां तोड़े गए हैं? हमारा ख्याल तो ये है कि अगर वो यानी एनक्रोचमेंट था तो समय यही क्यों पसंद किया गया? यानी ये जो बुलडोजर करने का समय जो है, ये इसके साथ इसका क्या संबंध है? तावड़ू में हुआ ये ज्यादातर जो बुलडोज किए गए हैं, और वो इसका संबंध ये नूह से क्या क्यों जोड़ा गया? असल में ये सारी चीजें जो है वो प्रशासन दूसरी तरह से ये क्या कहते हैं कि दबाव डालना चाहता है, एक खौफ हिरास पैदा करना चाहता है। जिस तरह से वहां पर यानी डिटेन किए जा रहे हैं लोगों को, जिस तरह से लोग डर डर के अपने घरों से भागकर कहीं और आश्रय ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो सरकार कर रही है, जो प्रशासन कर रहा है, इससे ऐसा लगता नहीं है कि कोई शांति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा है, लेकिन ये तो एक दबाव एक खौफ का माहौल पैदा किया। इसमें एक सवाल आप पूछिए वहां की हुकूमत से कि जितने घर और झोपड़ियां बुलडोज की गई हैं, क्या वो मुसलमानों के अलावा और किसी की हैं? अगर ये बात सही है तो हुकूमत का निशाना, हुकूमत का इरादा साफ नजर आता है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। एनक्रोचमेंट हटाने का ये तरीका और वो नहीं है,
दूसरा ये कि अगर कोई शख्स क्रिमिनल साबित भी हो जाए तो क्या उसका घर गिरा दिया जाएगा, ये कौन सा कानून कहता है? इस पर तो मुल्क में बहस भी चल रही है कि क्रिमिनल अगर कोई साबित भी हो जाए, अभी तो जांच हो रही है कौन लोग थे, लेकिन साबित भी हो जाए तो क्या उसका घर बुलडोज कर दिया जाएगा? तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके पर हमारे मुल्क को ले जाया जा रहा है, और गवर्नमेंट का ये एक्शन कम्युनली और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मुस्लिम्स को टारगेट करके ये बुलडोजिंग की गई। शफी मदनी साहब, अभी आपने कहा और हमेशा जब भी दंगे होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये प्लांड वे में हुआ, इसकी प्लानिंग हुई है बजाब। अभी आपने भी कहा कि इस दंगे को देख के लगता है कि ये प्लांड वे में हुआ। उसी तरह जो हिंदू लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके नेता जो बोल रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये प्लांड वे में हुआ। आप मुसलमान भी कहते हैं प्लानिंग से हुआ, हिंदू भी कहते हैं प्लानिंग से हुआ, तो प्लानिंग की किसने, वो लोग गिरफ्त में कब आएंगे? साहब ये देखने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, लेकिन हम जब देखते हैं तो पता चलता है ना, ये जो पूरी यात्रा तो मुसलमानों ने तो नहीं निकाली, ये यात्रा जो निकाली गई है वो जिन लोगों ने निकाली, लेकिन इसके साथ वो अनिष्ट तत्व जो है वो शामिल थे और उन्होंने जो कुछ चाहा था वो हुआ। तो असल में ये है कि देखना भी हमको पड़ेगा कि किन हालात में ये हुआ है। प्लानिंग जब हम कहते हैं तो वो मुसलमानों का तो इस तरह का प्लानिंग नहीं था, अगर ये यात्रा निकलती ही नहीं तो कहा क्या मुसलमान कोई प्लानिंग करके कहीं जाकर हमला करने वाले थे? तो ये बात सीधी समझ में आती है कि ये कभी कभी प्लानिंग तो अलग तरह के भी होते हैं। हम तो गुजरात से हैं और 2002 के प्लानिंग सब हमको मालूम है कि क्या हुआ है, इसलिए ये जो बात जब कही जाती है प्लानिंग की तो इसके पीछे कोई चीज होती है, लेकिन कोई ये कह दे कि भाई ये तो देखना तो पड़ेगा ना कि ये हुआ किस तरह से, संजोग क्या थे, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। वहां से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उन लोगों में एक बड़ी तादाद दिल्ली के मुख्तलिफ महलों में आकर रह रही है, एक एक घर में 8-8, 10-10 फैमिली आकर रह रही है, डिफरेंट इलाके हैं। क्या आपकी नज़र में यह है, उनको आप कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे? आपके पास तो तजुर्बा गुजरात का है, मुजफ्फरनगर का है, आसाम का है, तो आप वहाँ जो तादाद इससे बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये लोग रिफ्यूजी बन गए हैं अपने है, अपने इसी देश में दूसरी रियासतों में। तो ये यानी हमारी मालूमात में भी आया है कि ये कुछ हुआ है, दिल्ली की तरफ भी लोग आए हैं और तरफ भी चले गए हैं, बड़ी तादाद है। हाँ बड़ी तादाद है, और तो खास तौर से ये है कि अब ये जो मिलकर पूछना चाहिए कि साहब वो किन हालात में आए हैं, जी जी जी, उनसे तो क्या कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया है कि आप अगर 25-30 अफराद का नाम बता देंगे तो आपको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं और मालूमात हासिल भी कर रहे हैं। इंजीनियर साहब, ये जो मस्जिद का मसला है, इसमें एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है बौद्ध समुदाय की तरफ से। वो कह रहे हैं कि ये ना मस्जिद है, ये ना मंदिर है, ये तो बौद्ध मठ है और ये हमें मिलना चाहिए। देखिए, इस पर हमारा स्टैंड पूरी तरह क्लियर आ चुका है, और जो बात जमात इस्लामी महसूस करती है, जो उसका स्टैंड है, वो हम बयान कर चुके हैं। ये सवाल एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप तमाम लोगों को वेलकम यू ऑल फॉर द लंच ऑन द सेकंड फ्लोर, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सो मच। रुको तो सही है, इतना जल्दी गाएंगे बहुत आगे से, जब भी आप आईडी लगाना लपेटो पहले हाथ पे, रुको रुको गिर जाएगी चीज समझो, इतना बोल रही है।